पटवार एसोसिएशन की हड़ताल जो आज पाँचवें रोज़ जारी रही, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी जब तक ना हमारे मुतालबा जो चार्टर ऑफ हमारा डिमांड्स गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, जब तक ना चार्टर ऑफ डिमांड्स पे कोई कंक्रीट रिजल्ट्स आ जाते हैं तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसमें हमारा ग्रेड पे है ग्रेजुएट पटवारीज का, जिसकी नस्बत इनकी अपॉइंटमेंट के वक्त 2800 ग्रेड पे उन्हें आर्डर में बाज़ाब्ता तौर पे दिखाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में ना मालूम वजूहात की बिना पे वो आर्डर जो है वापस लिया गया और उसमें कॉरिजन इजरा किया गया। तो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि ग्रेजुएट पटवारीज़ को एट पार विद अकाउंट्स असिस्टेंट्स जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस में है, या टीचर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और ये पटवारी साहिबान जो है ये अपॉइंटमेंट के बाद उन्हें 9 महीने की ट्रेनिंग दे हैव टू अंडरगो द ट्रेनिंग फॉर 9 मंथ्स, फिर उन्हें वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद जाके उनकी नौकरी लग जाती है। अगर ऐसा ही अकाउंट्स असिस्टेंट्स के साथ भी है और उनका ग्रेड भी 2800 रुपये है तो पटवारी का क्यों नहीं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द जो उन्होंने वादा किया है हमारे साथ, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम ये आपका मुतालबा जो है ये सही है, कमेटी ने भी इसको सही करार दिया है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस वक्त डेफ ईयर्स न दिखाए, दे शुड लिसन टू अस एंड दे शुड लिसन टू द पब्लिक, जो पब्लिक इस वक्त सफ़र कर रही है। हम पब्लिक से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं और उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो ही हमारे ये मुतालबात हल होंगे हम कैंपस बिठाएंगे, जो पटवारी साहब जिसको एज पर गवर्नमेंट शेड्यूल दिन में 5 घंटे काम करना होगा हम उसे 10 घंटे काम करवाएंगे, पब्लिक जो अभी सफ़र कर रही है उनको हम इंशाल्लाह वो मदावा करेंगे। लेकिन जो हमारी डिमांड्स हैं हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, वी डोंट वांट एनी कन्फ्रंटेशन, हम नहीं चाहते हैं कि हम हड़तालबाजी करें, हम नहीं चाहते हैं कि लोग सफ़र करें, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे साथ की हुई कमिटमेंट को पूरा करे। हमारा मुतालबा है क्रिएशन ऑफ जीक्यू सर्कल्स एंड पटवार हल्काज, ये 100 साल पुरानी बात है जब पटवार हल्के और गिरदावर सर्कल्स का कयाम अमल में लाया गया, तब से नई हल्काबंदी नहीं की गई है, जबकि नयाबतस का आज सरिनाव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है बनाए गए, तहसील यूनिट्स बनाए गए, एसडीएमएस बनाए गए, एडिशनल जो है डिप्टी कमिश्नर्स के लिए जो है ओहदे बनाए गए, लेकिन पटवार हल्का और गिरदावर सर्कल्स का कयाम 100 साल के बाद भी अभी तक ये इसको सॉरी नाउ जो है डिलिमिटाइज नहीं कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि डीपीसी जो हमारा ये तो हमारा राइट बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस डिपार्टमेंट में फंस गए हैं और हमारे ऑफिसरान इतने अनकंसर्नड है हमारे कि 6 महीने के बाद जो डीपीसी हमारा हक बनता था उसके लिए हमें आज एहतजाज करना पड़ता है, सड़कों पर निकलना पड़ता है,